हमारे जितने समाज के और भारत देश के निर्माण में उन्होंने पूरे को जानता हूँ और साथ इस कार्यक्रम में किया है। मेरे बाप को भी नमन करता हूँ क्योंकि उन्होंने बड़ा किया और बोलने के लिए आपके सामने खड़ा होने के लिए बनाया। इसमें आदिवासी परिवार और टैप के सब को मैं जोहार करता हूँ कि आप लोगों ने बहुत साथ दिया है और इस समाज को देने के बावजूद आज जितना कारवा खड़ा हुआ है, आज आदिवासी परिवार और समाज आप सब मिलके अथक प्रयास नहीं करते तो आज हम इतने नहीं होते। तो मैं सभी को कहना चाहता हूँ, वैसे मैं बताती हूँ, मेरे को कई बाहर जाते कोई लोग पहचानते नहीं, लेकिन पार्टी में छोटा हूँ और दुबला पतला कोई नहीं जानता, लेकिन भोखलावासी जानते हैं, इसलिए जानते हैं कि मैं यहाँ 10 साल नौकरी करके गया हूँ इस ग्राउंड में। ये ग्राउंड की हर मिट्टी एक पत्थर को जानता है। यहाँ पे 65 बच्चे, मैं एक पीछे छोटे छोटों का क्रिकेट खेला करता था, वही हमारी शुरुआत की और हमने हमारे ये जो पहले भी नहीं है इन्हें अथक प्रयास मुझे मार्गदर्शन देते थे, बार बार मेरे सपने थे और इन्होंने भी बहुत चीज की, बच्चों को खेल में बहुत आगे कोई सेवा करे तो ऐसे करके वो मुझे बुलाते थे कि वरहा जी कि यहाँ पे खो की टीम तैयार करनी है तो आप सहयोग करोगे। मैंने कहा सर जरूर करा, लेकिन मैदान चाहिएगा, मैदान यहाँ नहीं है तो मैं तो स्कूल में अकेला हूँ 210 लड़कों में, तो आप टिकिया वहाँ भेजनी पड़ेगी। तो मैंने खो की तैयारी थी साहब के कहने पर, तो उसमें एक का सेशन हुआ था, हमारे मिथुन खेलता था तो मिथुन भी यहाँ मिथुन डोडा बजट पे खेलने गया था और आज मैं खो को तालुक के गया था, खो का पात्रमाथ में निरंतर रूप से चल रहा है, आगे स्टेट पे बच्चे जा रहे हैं। मैं शिक्षा दो तरह की होती है, मैं दोनों की तरफ बात करना चाहूंगा। एक शिक्षा वो होती है कि इससे इंसान क्या कर सकता है कि दुनिया में एक बदलाव, दुनिया को बदल सकता है। एक